नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष अतिथि शिक्षक या गेस्ट टीचर के लिए मान्य है या नहीं है। आप अतिथि शिक्षक से संबंधित वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अतिथि शिक्षक के जैसे ही फॉर्म डलेंगे हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब आप किसी विद्यालय में फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी आप अतिथि शिक्षक बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो देखते हैं बीएड प्रथम वर्ष अतिथि शिक्षक के लिए मान्य या नहीं है। बीएड अंतिम वर्ष अतिथि शिक्षक के लिए मान्य या नहीं मान्य है, इस पर हमने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो देखें, आपने बीएड प्रथम वर्ष की है, ये आपकी बीएड प्रथम वर्ष का एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट आ चुका है। साथ ही साथ आपने ईक्यूआईसी में उसको अंकों को जुड़वा दिए हैं और संकुल प्राचार्य द्वारा वेरिफिकेशन कर दिया गया है। संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन कर दिया गया है। कुछ संकुल प्राचार्य ने बीएड फर्स्ट ईयर का वेरिफिकेशन किया है और कुछ संकुल प्राचार्य ने बीएड फर्स्ट ईयर का वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो यदि आपका संकुल प्राचार्य जी ने सत्यापन कर दिया है उस स्थिति में आपका जो बीएड प्रथम वर्ष है वह मान्य होगा। किंतु यदि ऐसी स्थिति में आपका ये मान होगा संकुल प्राचार्य से सत्यापन करवाने के बाद, किंतु आपका बीएड चल रहा है, आपके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, जब एग्जाम नहीं हुए होंगे तब आपका रिजल्ट भी नहीं आया होगा, इस स्थिति में बीएड प्रथम वर्ष अतिथि शिक्षक के लिए मान्य नहीं होगा। यदि एग्जाम नहीं हुए हैं तब बीएड प्रथम वर्ष अतिथि शिक्षक के लिए मान्य नहीं है। यदि एग्जाम आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, ईक्यूआईसी हो चुकी है, संकुल प्राचार्य ने सत्यापन कर दिया है तब उस स्थिति में मान्य है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।